छोरियां छोरों से कम नहीं होती। यह नाम हाल ही में आई हरियाणवी फिल्म का है। सतीश कौशिक एंटरटेनमेंट व जी स्टूडियोज के बैनर तले बनी यह फिल्म बेटियों के साथ होने वाले भेदभाव के खिलाफ आवाज उठा रही है और महिला सशक्तिकरण का संदेश दे रही है। इससे हरियाणवी पृष्ठभूमि पर बनी बॉलीवुड की चर्चित फिल्म दंगल की यादें ताजा हो गई है। दंगल में एक डायलॉग है, मारी छोरियां छोरों से कम है के। दंगल के डायलॉग का जवाब राजेश अमरलाल बब्बर द्वारा निर्देशित फिल्म दे रही है। फिल्म में विनीता चौधरी अपनी बहादुरी और प्रतिभा का परिचय देते हुए आईपीएस अधिकारी बनकर दिखाती है और पिता की जमीन को कब्जे से मुक्त करवाती है। मेरे यार सुदामा रे, तू घने दिना में आया से सुर्खियों में आई विधि देशवाल ने विनीता चौधरी के बचपन की भूमिका निभाई है। बचपन के बाद की भूमिका रश्मि सोमवंशी ने निभाई है और फिल्म में जाने माने अभिनेता सतीश कौशिक ने पिता जयदेव की भूमिका का निर्वाह किया है। फिल्म में विनीता चौधरी के दोस्त बने अनिरुद्ध दवे के अभिनय की भी सराहना हुई है। फिल्म की खास बात यह है कि फिल्म की शूटिंग हरियाणा के अलग अलग स्थानों पर हुई है और फिल्म में अधिकतर कलाकार हरियाणा के हैं। हमने फिल्म में वकील की भूमिका निभाने वाले अभिनेता दीपक पंडित और दर्शकों से बात की, फिल्म के बारे में भी क्या कह रहे हैं, आइए आप भी सुनिए और देखिए। मैं हूँ दीपक पंडित, हूँ तो एस्ट्रोलॉजर लेकिन फर्स्ट टाइम मैं इस फिल्म में काम कर रहा हूँ। हमारी छोरियाँ छोरों से कम नहीं होती। सतीश जी मेरे बड़े भाई हैं एक तरीके से और हमारा बड़ा पुराना अच्छा रिलेशन है बॉलीवुड में, क्योंकि मुझे 15 साल हो गए बॉलीवुड के अंदर काम करते हुए। और एक कंसेप्ट हरियाणा के अंदर जो उठाना चाहते थे सतीश जी, उनका एक पहला ड्रीम था ये कि हरियाणा का कल्चर और जिस तरीके से अलग स्टेट्स के अंदर फिल्में कहीं कहीं पहुंच रही है, मराठी फिल्में हैं, भोजपुरी है, पंजाबी है, हरियाणा का कोई अस्तित्व था नहीं। तो इन्होंने सतीश जी ने एक प्रयास शुरू किया कि महीने के अंदर कम से कम 2 या 3 फिल्में बनाई जाएँ जो यहाँ के जितने भी कलाकार हैं उनको प्रमोट किया जाए, उनको आगे लेके आ जाए और एक जो हमारे यहाँ कल्चर है, जो समाज है, उस समाज को एक नई दिशा देने के लिए, जिस तरीके से आपने इस फिल्म में देखा है कि यहाँ एजुकेशन किया है, गांव की रूढ़वादियाँ का एक पिता जो दिखाता था, लेकिन उस बच्चे ने हिम्मत की और वो अपने मुकाम तक हासिल, उसने अपना जो भी वो करना चाहता था उसने किया। तो एक बड़ा अच्छा प्रयास था, बड़ी एक लंबी रेस लगाई हमने। आपने क्या किरदार निभाया? मैं इस फिल्म में एडवोकेट हूँ और जो विलन है इस फिल्म के अंदर उनका मुझे एडवोकेट बनाया गया था, क्योंकि वो जो फाइल जो चोरी हो जाती है वो फाइल मेरे पास थी इस फिल्म के अंदर। कैसा लगा आपको, कैसा महसूस? बहुत अच्छा महसूस हुआ, मेरे करनाल का, मेरे हरियाणा का नाम हुआ, क्योंकि महाराष्ट्र में भी रिलीज हुई है, राजस्थान में भी रिलीज हुई है और हरियाणा में तो हुई और पंजाब में भी रिलीज हुई है। तो इस तरीके से 5-6 स्टेट्स के अंदर रिलीज हुई है और बच्चों को काफी प्रोत्साहन मिलेगा अगर जितने भी बच्चे इस फिल्म को देखें और उनके अंदर जो अंदर कुछ भी टैलेंट है, कोई भी स्किल उनके अंदर रुकी हुई है, वो बाहर आएगी एक तरीके से जब आदमी अपने जीवन का कोई लक्ष्य बना लेगा। तो कोई संदेश? संदेश यही है दोस्तों, जो भी मेरी आवाज़ सुन रहा है, जो भी मेरी बात सुन रहा है, उन सबके लिए संदेश ये है कि तब तक मत रुको जब तक अपना लक्ष्य प्राप्त ना करो, कभी हारो नहीं। और कोई हर एक अच्छे काम को करने में, बड़े काम करने में मुसीबतें बहुत आती हैं, लेकिन जब तक आप एक रास्ते का बड़ा पत्थर भी भारी होता है, आपके लक्ष्य में और आपके जुनून में कितना भारी जोश है उस पर डिपेंड करता है। और एक हमारे शहर की लड़की ही थी कल्पना चावला जिसने आसमान को छुआ। कैसी लगी आपको फिल्म छोरियां छोरों से कम नहीं होती? जी, फिल्म बहुत उम्दा किस्म की फिल्म थी, एक बहुत ही अच्छे स्तर की फिल्म थी। जैसा कि हम आमतौर पर काफ़ी समय से हरियाणवी फिल्मों के लिए तरसते रहे हैं, लंबे समय के बाद एक मोटिवेशनल, एक आप कहिए कि शिक्षा को भी अगर आधार माने तो लोग बच्चों के लिए बहुत मोटिवेशनल फिल्म है। अगर बच्चे इस फिल्म को देखें, स्टूडेंट्स बेसिकली इस फिल्म को देखें तो बहुत ज़्यादा इससे इंस्पायर होंगे। मेरा अंदाजा है कि क्योंकि इसमें जो एक कहानी दिखाई गई है, एक गांव की लड़की की कहानी दिखाई गई है, वो किस तरह से जो अपना अपने आप को रिप्रेजेंट करती है, भाई छोरियां छोरों से कम नहीं है जो कि इसका टाइटल है, वो अपने आप को प्रूव करती है कि वो कहीं भी लड़कों से कम नहीं है और अपनी पढ़ाई और फिर कैसे उस साधनों की कमी होते हुए भी किस तरह वो स्कॉलरशिप लेकर के और उसके लिए उसको फाइट करनी पड़ती है,
फिर वो आईपीएस बनती है, एक टारगेट अचीव करती है, कहीं ना कहीं एक एजुकेशनल इसका हम कह सकते हैं कि आधार भी है, और स्टूडेंट्स के लिए तो बहुत ज़्यादा मोटिवेशन है। खासकर लड़कियों के लिए मैं चाहूँगा कि जहाँ भी गर्ल्स स्कूल गर्ल्स कॉलेज हैं वहाँ ये फिल्म दिखाई जानी चाहिए। क्या स्टोरी है फिल्म की? स्टोरी एक गांव की स्टोरी है। एक गांव में दो लड़कियाँ एक परिवार में पैदा होती है, लड़का पैदा नहीं होता है। पिता की इच्छा जो है इसमें रहती है कि लड़का हो लड़का, और अंत समय तक भी उसकी इच्छा ये जाती नहीं है। लड़की जो दो लड़की है उनमें से एक लड़की ये टारगेट लेकर के उसको कि मैं कहीं लड़कों से कम नहीं हूँ, वो पढ़ाई करती है और फिर वो आईपीएस बनती है, और जो टाइटल है फिल्म का छोरिया छोरों से कम नहीं, वो अपने आप को प्रूव करके दिखाती है कि मैं किसी से कम नहीं हूँ। और बाद में फिर लड़की के पिताजी उससे बहुत खुश होते हैं, और वो भी बाद में एक बच्चों को जो अनाथ बच्चे हैं उनको शिक्षा देने का काम करते हैं। जी, बहुत अच्छी फिल्म है, और फिल्म में एक बहुत अच्छा ड्रामा है, सॉन्ग्स बहुत अच्छे हैं, म्यूजिक बहुत अच्छा है, पिक्चराइजेशन बहुत अच्छी है। मेरा मानना है कि हर हरियाणवी को ये फिल्म देखनी चाहिए, और बेसिकली मैं स्टूडेंट्स को जरूर कहूंगा कि उनके लिए बहुत मोटिवेशनल फिल्म रहेगी, बहुत अच्छी फिल्म रहेगी। जी सर, आप फिल्म देख के आए हैं छोरियां छोरों से कम नहीं होती, कैसी लगी आपको फिल्म? बहुत अच्छी मूवी थी, हरियाणा की माटी की फिल्म थी, बेटियों को प्रोत्साहित करने के लिए कौशिक जी ने जो प्रयास किया बहुत अच्छा प्रयास था। सबसे बड़ी बात थी कि फिल्म का जो पिक्चराइजेशन था बहुत अच्छा था, उम्दा दर्जे का पिक्चराइजेशन था। इस फिल्म की जो सबसे अच्छी बात एक बात और लगी कि इस फिल्म के अंदर बहुत सारे हमारे स्थानीय कलाकार हैं जिन्होंने इस फिल्म में काम किया है, और जो साइट है वो भी हमारी लोकल साइट है, सारी कुरुक्षेत्र के अंदर यहाँ शूटिंग की गई है। करनाल में कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज है, करण गेट की शूटिंग है, कुरुक्षेत्र में ब्रह्म सरोवर की शूटिंग है, तो बहुत सारे हमारे लोकल इस प्रकार के स्थान है जहां पर शूटिंग की गई है, और इससे एक एक्सपोजर भी मिलता है। हमारे हम लोग जाते हैं, जैसे बॉलीवुड की फिल्म है वहां पे शूट होती है बाहर जा करके, तो कहीं ना कहीं हम अपने जो लोकल प्लेस है उनको देखने से अछूते रह जाते हैं या देख नहीं पाते, और यहां पे ये फिल्म जो है हरियाणवी फिल्म है, हरियाणवी परिदृश्य में बनी है, हरियाणवी भाषा है, और उसके अलावा हमारे सारे की सारी फिल्म की जो शूटिंग है मेन मुख्य तौर पर वो सारी की सारी हमारे स्थानीय परिवेश में इसकी शूटिंग की गई है। ये बहुत अच्छी चीज है, तो इसको जरूर देखना चाहिए। मैं ये कहूंगा कि स्कूल के बच्चों को, खासकर लड़कियों को, या अगर पूरे परिवार के साथ आकर के इस फिल्म को देख पाए, क्योंकि फिल्म के अंदर अगर आप देखेंगे तो कहीं भी इस प्रकार का एक भी आपको दृश्य ऐसा नहीं मिलेगा कि जहां पर आपको ये लगे कि नहीं मैं अपने परिवार के साथ इस फिल्म को देखने के लिए आया और तो शायद कहीं मैंने यहां पे गलती की, ऐसा कुछ भी नहीं। बिल्कुल पारिवारिक फिल्म है, बिल्कुल एक क्लियर मैसेज देने वाली फिल्म है कि लड़कियों से किसी प्रकार का भेदभाव ना किया जाए, लड़कियां किसी भी मायने में लड़कों से कम नहीं होती, यही इस फिल्म का मैसेज है, और इसको बाद में प्रूव भी किया गया है।